भारतीय मजदूर संघ द्वारा अमृता देवी बलिदान दिवस को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया। भारतीय मजदूर संघ द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा बिल्लाग्राम पर पौधारोपण किया गया। मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश कामगार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के संचालक डॉक्टर खींची रहे। शेखावत ने डॉक्टर खींची को श्रमिकों को बीमा द्वारा मिलने वाली छुट्टियाँ, इलाज के बिलों का भुगतान समय पर नहीं होने, ग्रेसिम ठेका श्रमिकों की वर्तमान समस्याओं से अवगत कराया। इस मौके पर ज्योत सिंह राठौड़, अशोक गुजर, सत्यनारायण शर्मा, राजकुमार सिसोदिया, नंद सिंह झाला, कृष्ण सिंह तंवर, मोहब्बत सिंह राठौड़, संजय सिंह चौहान, वीरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह सिकरवार आदि मौजूद थे। चलो हो गया, अगर फोटो करेंगे आप आज 28 अगस्त लगभग आज से 450 वर्ष पूर्व राजस्थान के जोधपुर ज़िले के खेजड़ली गांव में वहां पर अमृता देवी ने एक वृक्ष की जान बचाने के लिए उससे चिपक करके खेजड़ी के झाड़ को बचाने के लिए स्वयं और स्वयं के दो बच्चे उन्होंने प्राणों की आहुति दी। उसके बाद 376 लोगों ने, गाँव वालों ने उसकी आहुति दी। अमृता देवी बलिदान दिवस है, इसको पर्यावरण दिवस के रूप में संपूर्ण विश्व भर में मनाया जाता है। तो आज हम लोग भी ये पर्यावरण की सुरक्षा और वृक्ष लगाना पर्यावरण दिवस के रूप में अमृता देवी का मध्य प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार, राजस्थान की सरकार, सभी सरकारें जो अच्छा पर्यावरण में काम करता है उसको इनाम भी देती है 1,00,000 रुपये का। आपके माध्यम से आज योग से अपने ESIC के डायरेक्टर साहब, खींची साहब भी यहाँ प्रवास पे थे आए हुए, तो इन्होंने भी अपनी ओर से, नया के मैनेजर ने भी 5 पौधे लगाए हैं। निश्चित रूप से ESIC प्रांगण जो है, ये इस प्रांगण में सुरक्षा की दृष्टि से हमने यहाँ के डॉक्टर्स और इनसे बात की कि पौधों की सुरक्षा होना ज़रूरी है, तो सुरक्षा ये लोग करेंगे, लगाने का काम हम कर देंगे। बड़े ही पुण्य कार्य में लोगों को भागीदार बनाया है। और वृक्षारोपण में मेरा तो यह है कि हम वृक्षारोपण कर तो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा है कि जो वृक्ष लगे हैं कम से कम वो ना काटे जाए। जो हम आसपास देख रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, एक निर्माण कार्य को लेके आधुनिकता के बहुत विकास हो रहा है, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि कम से कम जो वृक्ष लगे हुए हैं कम से कम उनका वो ना हो। सबसे पहले हमें उस पर थोड़ा सा, हम आसपास भी अभी देखें, अभी आपने खबरों में भी देखा होगा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, भूस्खलन से सारा वो हो रहा है। तो ये सब क्यों हो रही है, आपदाएँ क्यों आ रही है, क्योंकि वहाँ पर वृक्ष ही नहीं है। बड़ी बड़ी होटलें और इनका निर्माण किया जा रहा है। हमें करना है इन चीज़ों को, लेकिन प्रकृति के साथ चलते हुए करना। प्रकृति के विरुद्ध यदि हम जाएंगे तो हमें बचाने वाला कोई। तो मेरा यहाँ पर जितने भी लोग हैं उपस्थित हैं, सभी से है कि हम प्रकृति का एक सम्मान करें और उसके जो निर्धारित नियम हैं उसके तहत हम कार्य करें। तो आप और हम सबका भला हो, बहुत बहुत।